ये थियोफाइसी से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, बताने हमें कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर्स यूजली बाई बाई फ्लैजलेट जो स्पोर्स, बिल्कुल सही बात है। जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है थियोफाइसी में वो बाई फ्लैजलेटेड जो स्पोर के द्वारा होता है, तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। बी स्टेटमेंट है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाई ओगैमस मेथड ओनली, ध्यान देना ओनली लिखा है, इस वजह से ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, क्योंकि इसमें आइसोगैमस, इनआइसोगैमस और ओगैमस तीनों टाइप के रिप्रोडक्शन पाए जाते हैं, तो बी वाला हमारा गलत है। अगला स्टेटमेंट है, स्टोर्ड फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जो फूड स्टोर होता है वो कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में होता है, जो कि या तो लैमिलेरियन हो सकता है या मैनिटॉल हो सकता है, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। जो स्टोर्ड फूड कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में है वो लैमिनेरियन या मैनिटॉल की फॉर्म में स्टोर होता है, जबकि रोडोफाइसी में क्लोरिडियन स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है, तो सी वाला भी हमारा करेक्ट है। अगला स्टेटमेंट है, द मेजर पिगमेंट फूड आर क्लोरोफिल ए सी, जो मेजर पिगमेंट होते हैं फूड में वो क्लोरोफिल ए सी हैं, साथ में कैरोटीनॉइड है और ज़ैंथोफिल है, बिल्कुल सही बात है। डी स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। अगला है, वेजिटेटिव सेल्स हैव अ सेलुलोजिक वॉल, सही बात है, वेजिटेटिव जो सेल होती है उसकी जो वॉल होती है वो सेलुलोजिक वॉल होती हैं, जो कवर करती हैं आउटसाइड द जिलेटिनस कोटिंग, देखो लिखा है यूजली कवर्ड ऑन द आउटसाइड। अच्छा, जो सेलुलोजिक वॉल है, जैसे ये सेलुलोजिक वॉल है, इसके बाहर एक कोटिंग होती है जो कि जिलेटिनस कोटिंग होती है, ये कौन सी कोटिंग है, जिलेटिनस कोटिंग, जिलेटिनस कोटिंग है जो बाहर है, तो ये कवर कर रही रहती है किसके लिए, सेलुलोजिक वॉल के लिए, वेजिटेटिव सेल की वॉल के लिए ये कवर करती है, तो ई स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। तो हमारा ए सी डी ई यानी सेकंड ऑप्शन करेक्ट जाएगा। थैंक यू।